कहाँ गई ये आवाज? गांव में यही आवाज गूंजती थी सुबह सुबह। भगवान कृष्ण की कथा सुनने बैठे हो तो भगवान कृष्ण का प्यारा गोकुल और प्यारा वृंदावन कैसा है बताओ? गैया हैं, मैया हैं, गोपी हैं, ग्वाल हैं, छाछ है, दूध है, मयूर हैं, पिक हैं, कोयल हैं, क्या सुंदर वातावरण है, क्या दिव्य भगवान की नगरी है, गांव है। श्रीमद् भागवत की सफलता तभी होगी जब भारत के गांव गांव में वृंदावन जैसी पवित्रता, शुद्धता और आनंद का उतरना हो जाएगा प्रत्येक स्थान पर। ये भारत में भागवत की सफलता होगी और कुछ नहीं है, ये सब ऊपर ऊपर की चीजें। और हम तो बड़े बेफिक्र और निर्भीक आदमी हैं, हमारा तो कबीर दास के साथ मिलता जुलता है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, अजो घर जारो आपनो तो चलो हमारे साथ। कौन सा घर? जो घर टेंशन और डिप्रेशन का है उस घर को जलाने के लिए मैं तैयार हूं, और आनंदम गांव में आनंद के घर को बनाने के लिए तैयार हूं तुम्हारे ही परिवारों का। डिप्रेशन जलाओ, रावण मत जलाओ, कुंभकर्ण सब मत जलाओ, बिना मतलब का खर्चा मत करो। जला सकते हो तो अपनी समझ, अपनी प्रज्ञा, अपनी प्रबोध से अपने घर में जो इतना टेंशन, डिप्रेशन, तनाव परिवारों के बीच है उसको जलाओ ना। अगर इतनी आग है तुम्हारे भीतर तो उसको जलाओ। सब बनावटी नहीं, अब कुछ नेचुरल चीजें होनी चाहिए जिंदगी में, नेचुरल। कितना सुकून है इस जिंदगी में देखो, और कौन सी जिंदगी जी रहे हो ये सोचो। पढ़ाई में टेंशन, नौकरी पाने में टेंशन, शादी में टेंशन, सन आ गया तो उसके एडमिशन में टेंशन, कितना टेंशन। कुछ माता लोगों को तो इतना टेंशन हो गया कि उठ गई कि बाप रे बाप इतना टेंशन। काश कि आप लोग इस शांति को अनुभव करने के योग्य बनकर, सिर्फ इस शांति की अनुभूति करके बैठने योग्य बन जाए ऐसे मौज में। हमारो तो मन ऐसो कर रहा है कि माई कोई रख के अब बढ़िया बंसी बजवा के सब ऐसे मौज करें चुपचाप ऐसे, जय वृंदावन। ऐसा कितना चिल्लाऊं महाराज बताओ? आप भी घर में तो इतना चिल्ला चिल्ली करके तुम खुद ही आ रहे हो, नौकरी दफ्तर में खुद ही चिल्ला चिल्ली कर रहे हो, ऊपर से हम चिल्लाएं। तुम कहोगे कहीं तो प्रेम मिले,